भाई हैवी प्रोडक्शन भाई, कुछ बड़ा मूवी शूट होने वाला है मुझे लग रहा है, बहुत बड़े प्रोडक्शन हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन का तुम्हारे पास प्रोडक्शन में क्या क्या है? एक कैमरा है जिसमें कैमरा मैन नहीं है, तो ये ऐसे ही स्टार्ट रहेगा। कैमरा मैन का है? कैमरा मैन नहीं, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो ये इतनी मेहनत करिएगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो कब आएगी? माइक भी कहाँ है? दूसरे को माइक ले रखा है। तो ये हैवी क्या आ रही है ऐसी वीडियो आपके चैनल पे? कुछ बड़ा लग रहा है मेरे को ये, मजाक उड़ा रहा है। आदमी हमेशा ना, अब पहले तो आओ यार, शूट स्टार्ट करो। प्रोडक्शन टीम से पूछे, प्रोडक्शन टीम करने के लिए हमें एक मेंबर को उस रूम में शिफ्ट। हाँ, बाबा जी को हमें वहाँ बोलना पड़ा, बाबा जी आप वहाँ जाइए। अरे चलो, तेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट करो पहले कैमरा। हाँ जी, आराम से कैमरा मैन गाइस, कैमरा एडजस्ट कर, लेंस एकदम चेंज कर लो। मम्मी मेरे को दो बंदे ही हैं, सो बीच में क्या? अच्छा, बीच में दीदी बैठी ना, मम्मी ऑब्वियस है। परेशान लग रहे हो मम्मी, जब भी मैं तुमसे अपनी केड़ी पूछ रहा हूँ तुम्हारे, तुम भागते फिरते हो यहाँ से। बेइज्जती हो रही है, तू परेशान। कोई नहीं, दो एक, तुमने 80 मैच खेल दिए अभी? हाँ, मैंने स्टैट्स देखे। सो गाइस, पूरा दिन गाड़ी की रील आ रही है, ये देखो। और ऐसा भी निकाल, जब रील देखो कैसी आती है, मन करता है यही बनवा लूं भाई। मैं बताना भूल गया, मैंने ये पजामा ले रखा था, ये ना 2-3 महीने से पजामा पहन रहा हूँ मैं, तो ना ये इसके ना ये है की, तो ये पजामा मैंने ये रख रखा है, ठीक है, और मैं इसको टाइट नहीं करता तो ये लंबा सा धागा निकल जाता है, तो ये मेरे पैर के नीचे आ जाता है, तो अभी ये इलास्टिक जैसा है, इलास्टिक जैसा है, इसको छोड़ता हूँ ना पट करके मेरे को पैर पर लगता है, तो जब मैं अपने बेड से उठता हूँ मेरे को लगता है, फिर यार जब मैं चलता हूँ ये नीचे आ जाए तो लगता है, तो ये मत लेना भाई, ये ना बहुत चटपट करता है। कैसी लड़की है कमली जी, एक तो इंस्टाग्राम ने तुम लोग का दिमाग खराब कर रखा है, रील रील जियान है आप, तू सुनियो है, तेरे को पता है सुनियो आ गया उसका, सुनियो वर्जन नहीं देखा तुमने उसका? तू सुनियो है, तू पता जैको है, जैकोब क्या, जैकोब क्या, क्या नाम था उसकी बहन का? नाम नहीं बहती थी, ठीक है, अपने आप को देख ले। फिर क्या भाई साहब? अरे मम्मी आ गई हैं आप, क्या लाई हैं मार्केट से? मेरे लिए लाए मार्केट से, क्या लाई हैं? चिप्स तो मिलते हैं मार्केट में यार, सब कुछ मंगाया है क्या? ये नींबू प्याज ही मिलता है, ये देखो इधर सब कुछ है, बहुत कुछ भरा हुआ है, खाने वाला। पानी काम करो, पाट पाट एक एक बूंद गिरा, तो और तेज आवाज है, मतलब थोड़ा और तेज। ये ले, ये वाला और भी है, ग्रीन वाला भी है। ओए दीदी, तू खाती है ये वाले? ले, इस ब्लू वाले। ये इसी लिए मंगवाया है, मेरे लिए मंगवाया है, आज तक तो मेरे को मिला नहीं, पता नहीं मेरे लिए कैसे मंगवाते, तो मेरे को नहीं मिलता। अरे सुनो, तो स्टीम वीम करके खाना खाके, आज मैं 10:30 बजे फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब पर स्ट्रीम नहीं करी, तो मैं जल्दी फ्री हो चुका हूँ, तो मेरे पास अब सोचा एक आइडिया है मेरे पास। अरे तेरे को एक बात पता है वैसे? पता है क्या? तुमने कैसे बोल दिया पता है? तू फालतू बात बोल रहा है। नहीं, मेरे को अभी अभी मतलब जब एचडी की वीडियो आई ना वैलेंटाइन डे वाली, तो मुझे पता चला वैलेंटाइन डे। पापा से पूछ ले, पापा को पता हो आज तो? पापा सिंगल थोड़ी, तेरे को पता था वैलेंटाइन डे? तेरे को पता ही था वैलेंटाइन डे यार? मतलब लोग खुश हो रहे हैं, मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा इतनी तैयारी, हाँ मतलब हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कोई शूट नहीं, कुछ नहीं, घर पर कोई एक्स्ट्रा शूट नहीं, नहीं क्या मतलब ब्रांड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शूट नहीं था, कुछ शूट ही नहीं था। तो 10:30 बज गए, तो मैं थोड़ी देर सीओसी खेलूंगा, सीओसी खेलूंगा, फिर उसके बाद मैं आज थोड़ा और रैंक पुश करूँगा, हम रैंक पुश कर रहे हैं भाई। एक तो जब से बीजेमा आया है उसके अंदर जो बैग के अंदर चाकू चाकू पेन ये सब जगह ले रहे हैं ना, चलेगा नहीं भाई। तो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरे सारे गेमिंग, मतलब पूरा अपना गेमिंग गैजेट्स, मैं मेरे घर में क्या क्या है, क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई किस पे क्या क्या है। इस पे क्या क्या? नहीं अच्छा, तू भी सोचती है? इधर पे क्या क्या है तेरे को पता नहीं? नहीं, जो तूने अभी निकाला ना, हम निकाल के लाया, वो मैंने पहली बार देखा। तूने पहली बार देखा तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो बताता हूं। हीटर करंट मारता है इसका, बहुत खतरनाक। अरे भाई, और तो ऐसा मैं खुद ही ऊपर जंप कर। हां, तो मैं दिखाता हूं मेरे पास क्या क्या है गेमिंग में, मतलब मेरे पूरे एकदम सेटअप में तुमको बस छोटे होता है। ये मेरा है गेमिंग पीसी, इसके अंदर ये गेमिंग पीसी, मतलब लोगों के पास दो पीसी होते हैं, स्ट्रीमिंग एक गेमिंग,
बट मैं गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों एक में करता हूँ। जो प्रॉपर पीसी गेमर होते हैं वो दो रखते हैं, कुछ कुछ गेमिंग और स्ट्रीमिंग अलग अलग रखते हैं। तो मेरा एक प्रॉपर गेमिंग पीसी यही है, इसके अंदर इससे ही मैं स्ट्रीम करता हूँ, इससे ही मैं गेम खेलता हूँ, ठीक है। और मेरे पास अभी एक ये फोन है जिसके अंदर मैं खेलता हूँ सीओसी। अच्छा वो जो तू बड़े वाले स्क्रीन में खेलता रहता है, घास फूस होते हैं इसमें, तमीज में बात कर, सिर्फ घास फूस नहीं होते उसमें, टाइम टू टाइम वो फार्मिंग गेम है। सॉरी भाई। तो इसमें ये खेलता हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल फोन है, इसको मैं पर्सनल के रखता हूँ। अब आप सोचोगे फिर ब्लैक फोन निकाल के आ गया, इसका दूसरा फोन का है मैंने, हाँ इसमें ट्रांसफर करना भूला, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ट्रांसफर कर दूँ, कल करूंगा इसको मैं, सुबह याद दिला दूँ अपना इसमें ट्रांसफर, सुबह आने के 2 बजे। हाँ जब भी यार आप उठे, आपको पता क्या क्या है इसके अंदर, मतलब बहुत सारे फालतू फोन है जो मैं यूज नहीं करता, फोन टूटा हुआ हटाया नहीं है तो मैंने बता रखा था कि मैं ना फोन बेचता हूँ, इसको आप लेके जाएंगे फिर। हाँ तो गया तो गया। और इस बैग के अंदर मेरा आईफोन 11 प्रो मैक्स भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वो फोन नहीं आ रहा था। आप अच्छा ठीक, मैं दिखाता हूँ गाइस, जिससे मैंने पबजी 300 के लिए खरीदा था, दिखा। एक तो एक्सआर था, वो एक्सआर दूसरे घर में पड़ा, ये वाला क्या, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम नहीं, वो एक्सआर वाला टाइम है, ये एक्सआर वाला टाइम है। यस अच्छा, ये वाला टाइम है मेरे, जब मैं समझ लिया मैं 300 के, जब मलेशिया वगैरह गया होगा, मलेशिया वगैरह गया होगा, ये वाला टाइम होगा, मलेशिया वाला टाइम नहीं, मलेशिया भी एक कहां गया, मलेशिया ये कोविड के पहले वाला टाइम है। अच्छा ये मैं मेन जब बहुत मतलब अच्छा खेलने गया था, ये फोन पीक टाइम जो। तो अब मैं दिखाता हूं और क्या क्या। अब है मेरे पास वीआर, वीआर में ये एक एलेक्सा पड़ी हुई है, एलेक्सा किसी काम की नहीं है, पता नहीं मेरे घर में बच्चे खेलते थे, पता नहीं वो भी नहीं खेलते, इससे कितने बोर हो गए, बोर हो गए। तो ये पड़ा है मेरे पास वीआर। हां तो ये यहाँ पे वी आर है, ये क्यू आर पता नहीं कौन सा था, मैंने याद है कितने, ये कब लिया था मैंने, क्या नाम था इसका, नाम याद नहीं, नाम तो कैसे पकड़ते हाथ में याद नहीं मेरे को, तो फोटो में दिखता है, भूल गया मैं। सबसे फालतू और वेस्ट चीज जो थी वो ये थी, क्या नहीं भाई इसको यूज करा जाता, अब तो अब वो आ गया एप्पल वाला, पता नहीं क्या आ गया, ओए मार मत दियो मेरे को, बहुत मारूंगी। अब इसको ऑन करना पड़ता है तो कर उसको, अच्छा हाँ ये चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, सही लग रहा है, बता मत, स्मार्ट लग रहा हूँ क्या, स्मार्ट लग रहा हूँ, हाँ बहुत। तो इस ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेकिन इसके मुकाबले तो पता है इसमें क्या होता है, वीआर गेम्स खेलते हैं, वर्चुअल रियलिटी वाला पता है, कुछ सब कुछ देख भी सकते हैं ना, बाकी और चीजें भी सब कुछ चल सकता है, YouTube वगैरह, हां ट्रांसपेरेंट होता है, इसको रख देते हैं आप, ये मॉल्स में भी लगे रहते हैं ना जो लोग गेमिंग पे चार्ज कर रहे हैं, तो ये लगा दूं मैं इस पे रेंट पे, यहां तो काम नहीं आ रहा, हां भाई लगा दे, बिजनेसमैन वुमन, ये है, ये देखना है मेरे को, इसलिए आई हूं यहां पे। अब तो बोल रहे हो ब्रांड ब्रांड है, कोई प्रमोशन नहीं, नहीं ये प्रमोशन नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें से ये दोनों निकल जाते हैं, तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये दो ये साइड के दिख रहे हैं ना, ये दोनों निकल जाते हैं, तो कंट्रोलर बन जाते हैं, तो इसमें हम कोई भी गेम खेलते थे, वैलो वगैरह ये सब, तो ये मैंने अभी यूज नहीं करा है, कहां से लेकर आया था, सिंगापुर, तो ये मैंने यूज नहीं करा, बट ये वन ऑफ द गेमिंग एजेट है मेरा। एंड आप लोग ये भी देखो, अभी हमारे जो वीआर तंत्र दिखाता ना, ये आई ग्लासेस है, ये कहाँ से लिया, ये वीआर से बड़ा अच्छा है, ऐसे कैमरास में आते हैं मालूम है तेरे को, हाँ कैमरा में आते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं आईज में, तो जैसे भी कंट्रोल और कंट्रोल कैसे उसको निकाला, वो ये दो निकालेंगे ना, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम उसके हैं, ये दोनों निकालोगे इससे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको गेम खेलना आईज में, तो खेलना भाई बहुत बड़े बड़े पीसी गेम खेल सकते हैं आप, माइनक्राफ्ट खेल सकते हो इसमें, सब खेल सकते हैं, तो इसमें सब खेल सकते हो, बट ये बहुत मतलब, तो ये मेरा प्रॉपर गेमिंग सेटअप है, आप अप्रॉक्स मान लो कितने का होगा, मुझे जीरो आइडिया, और भी बहुत चीजें हैं मेरे पास बट नहीं है, तो ये मेरा एक छोटा सा गेमिंग सेटअप है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, नाइस सेटअप, कैसा लगा मेरे को, अच्छा लगा मेरे को, वो ट्राई करके देखना है, क्या वो ट्राई करना, वो बहुत मस्त चीज है। तो एक तो मैंने गेमिंग कैसे स्टार्ट की थी, एक टाइम पे गाइस MIA अरे वो एक मेरी मम्मी वाली ना पबजी वाली रील थोड़ी सी बीजेम वाली थोड़ी सी वायरल हुई है, हल्की सी मतलब लाइक थोड़ा बहुत व्यूज से लगा है, जैसे मम्मी और मैं खेल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा पे किसी ने चाटा वाटा मार दिया था क्या, क्रीम लगी हुई है, फिर स्किन केयर है, तो क्या लाल हो गया, नहीं नहीं बोल, तो क्या कमेंट होने चाहिए, मतलब क्या डिवाइस को लेके कह रहे, मेरा इतना मन था किसी को वो तो ठीक है उनका वो है, बट जिसको खेलना था उसने तो उस डिवाइस से भी खेल के अपने बेसिक ये होता है,
सबको भाई स्पोर्ट्स में तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि पेरेंट्स नहीं मानते शुरू अभी इस मतलब को भी बहुत कम पेरेंट्स बोले कि डिसअपॉइंट ना हो कि हां गाइस डिवाइस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मैं बोल रहा हूं भाई हां एक प्रॉब्लम है बट उसको इशू मत बनाओ प्रॉब्लम को आप इशू बनाओगे ना तो फिर आप उस प्रॉब्लम को रोज अपने सर पे लेकर बैठोगे ठीक है यार प्रॉब्लम मेरे पास भी थी सबके पास एक ना एक प्रॉब्लम होती है बट उसको दिखाओगे तो प्रॉब्लम खराब मतलब वो ठीक नहीं होने वाली गाइस ये था मेरा पूरा गेमिंग सेटअप मैंने आप लोगों को सब दिखा दिया आज के लोगों को कुछ खाने में 2 बजे उठा आप लोगों को पता है ये जो लास्ट वाले लोग आए मैंने कैमरा घुमा दिया मैं ऐसे कर रही थी तो मैं कैमरा उधर कर दिया भाई तेरे को तो मैं देख भी नहीं रहा था मैं अपने ब्लॉग से बात कर रहा था हीटर बंद कर इतनी गर्मी नहीं चाहिए चलो गाइस कैफे को कॉल करते हैं हाँ कैफे भाई कहाँ हैं आप मैं रास्ते में कहाँ है रास्ते में कहाँ रोहिणी के रास्ते में किससे मिल रहे हैं आप रोहिणी यार ब्रो आपसे और ना ब्रो 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 आज 14 तारीख है और आज आप बाहर है वाओ आज आपका शूट भी नहीं था वाओ नहीं नहीं आपका शूट होता ना आप तहलका मचा देते हैं कि कल मेरा शूट है यार मैं नहीं खेल पाऊंगा परसों शूट है मैं नहीं खेल पाऊंगा तो आपका शूट नहीं था कुछ पर्सनल बात है इसलिए दिखाई नहीं गुड नाइट बाय